हेलो फ्रेंड्स, मैं पूनम पूनम सेन किचन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम बनाने जा रहे हैं क्रिस्पी करारे कॉर्न पकौड़े। देखिए, आवाज़ इसकी सुनिए कितनी अच्छी है, कितने क्रिस्प हैं, बहुत ही अच्छे। ऊपर से ये क्रिस्पी, अंदर से सॉफ्ट, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा इससे। और मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए, ये कितने अच्छे लग रहे हैं। तो फटाफट इस रेसिपी को देख लेते हैं। मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें। कॉर्न पकौड़े बनाने के लिए हमें सबसे पहले ये मैंने कॉर्न लिया है, क्योंकि बहुत ही आसानी से मिल जाएगा आपको मार्केट में। और क्या करते हैं कि इसको मैंने बॉईल किया है, दो तीन विजल लगा लिए कुकर में और थोड़ा सा नमक डाल के, तो जिससे कि अच्छे से बॉईल हो गया है। तो इसको हम ट्रांसफ़र कर लेंगे। 1.5 कप है ये, 1.5 ओनियन मैंने 1.5 ओनियन लिया है, उसको स्लाइस में कट कर लिया है। इसको डाल के हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो इसको इस तरीके से मिक्स कर लें। इसको मैंने मिक्स किया है, थोड़ा सा मैश करते हुए मिक्स किया है। आप भी इसी तरीके से कर लीजिएगा। अब करना क्या है कि हमें बेसन, आपको मैंने इसमें बेसन डालना है, 2 चम्मच इसमें राइस फ्लावर मिलाना है, जो चावल का आटा होता है ना, बस वही हमें इसमें मिलाना है। इससे बहुत अच्छा क्रंच आएगा इसमें और टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। अब इसमें 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून चिली पाउडर, 1/4 टीस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून ये जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, तो इसको जरूर डालें, बहुत अच्छे पकौड़े बनेंगे इससे। अब इसमें डालेंगे मैं 1 पिंच हींग डालूंगी, क्योंकि जब भी कभी पकौड़े बनाएं तो हींग जरूर डालें। और साथ ही साथ इसमें अजवाइन भी आप डाल सकते हैं, मैं यहाँ पे नहीं डाल रही हूँ। आपको अगर अच्छी लगती है अजवाइन तो आप अजवाइन जरूर डालें, 1/2 टीस्पून ही डालें बस। 1/2 टीस्पून सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा, और थोड़ा सा कटा हरा धनिया। बस इन्हीं सब चीज़ों को डालकर हमें अच्छे से मिक्स कर देना है। ये देखिए, इस तरीके से आप मिक्स कर दीजिए इसको। ये देखिए, अच्छे से मिक्स कर दिया। इसमें मैंने पानी बिल्कुल भी नहीं डाला है। 3-4 मतलब 12 इस तरह से अच्छे से मिक्स करेंगे, 1 मिनट के लगभग अच्छे से मिक्स करिएगा, तो अपने आप ये मिक्स हो जाएगा एक दूसरे में और इस तरीके से बन जाएगा। तो पानी का यूज़ हमें करने की इसमें ज़रूरत नहीं है। मैंने तेल को गर्म करने के लिए रख दिया है, मीडियम हाई फ्लेम पर आप इसको गर्म कर लीजिएगा और फिर गैस का फ्लेम मीडियम कर दीजिएगा। मीडियम फ्लेम पर हमें इनको बनाने हैं। इस तरीके से हाथ से आप बॉल बना के इसमें डाल दें। और बस गैस का फ्लेम आप अब स्लो को मीडियम रखिएगा, नहीं तो क्या, ऊपर से तो ये पक जाएंगे, अंदर से नहीं पक पाएंगे। तो अब इस टाइम पर गैस का फ्लेम स्लो टू मीडियम रखिएगा, जिससे कि क्रिस्पी करारे पकौड़े बनकर हमारे रेडी हो जाएंगे। थोड़ा सा गोल्डन कलर आ जाए, गोल्डन ब्राउन कलर आने तक हमें इन्हें फ्राई करना है। ये देखिए, इनमें कलर बहुत अच्छा आ गया। बस इनको हमें क्या है, एक टिश्यू पेपर में प्लेट में लगा दीजिएगा और इसको निकाल लेते हैं। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है, देखिए नज़दीक से, अच्छा लग रहा है ना। बस इसको ट्रांसफ़र कर लेते हैं। बचे हुए बैटर के भी हम पकौड़े बना लेते हैं। सेम प्रोसेस से आप बना लीजिएगा, बस ध्यान रखना है कि गैस का फ्लेम आप स्लो टू मीडियम रखिएगा और इनको गोल्डन कलर आने तक हमें फ्राई करना है। ये देखिए, क्रिस्पी करारे कॉर्न पकौड़ा रेडी है। इसकी गार्निशिंग करने के लिए थोड़ा सा धनिया पत्ता आप ऊपर से डाल दीजिए और थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल कर दीजिए। बहुत अच्छे पकौड़े बनकर रेडी हुए हैं, खाने में बहुत ही यमी लगेंगे। अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी है, ये देखिए, तो इसको लाइक करें, शेयर करें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें। मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय।